हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 56 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो आप जानते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए, 20 हुए या 22 हुए, 24 हुए या 25 हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो इस प्रकार जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। प्रथम कौन थे? प्रथम थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव और 24वें थे, 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर। महावीर। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली में 1946 में 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से आते थे, उनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। यह एक पुस्तकालय में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली 9 दिसंबर 1946 और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर बाद में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा अगला सवाल है, RAF रैपिड एक्शन फोर्स यानी त्वरित कार्रवाई बल की स्थापना कब हुई? 1994 में, 1992 में, 1993 में या 1991 में? तो रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है, रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है, और भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग और महत्वपूर्ण उद्योग जो है वह है हथकरघा उद्योग, पावरलूम, हथकरघा उद्योग, ये हमारा उत्तर होगा, हथकरघा उद्योग। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित, अवसादी, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं? जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है, या पिघले हुए मैग्मा के द्वारा बनता है। जब ज्वालामुखी उद्गार में पिघला हुआ मैग्मा दरारों में जमा हो जाती है, तो उससे जो है जो चट्टान बनती है उसको ग्रेनाइट कहते हैं। तो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। हमारा उत्तर होगा आग्नेय चट्टान। का निर्माण किस प्रकार होता है? या पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव बढ़ता है, और अत्यधिक ताप बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी के केंद्र का जो भी पदार्थ है वह पिघली हुई अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में होती है। जब दबाव बढ़ता है तो पृथ्वी का जो मेंटल है, जहाँ से कमज़ोर पड़ता है,
चट्टाने जहाँ से कमज़ोर पड़ती है वहाँ से वह फट जाता है और उससे जो है लावा निकलने लगता है। कभी कभी लावा जो है ज़मीन के अंदर ही जमा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है जो चट्टाने बनती हैं उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा नृत्य एक देव नृत्य है? देव नृत्य मतलब देवताओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कुचिपुड़ी, भांगड़ा, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है कुचिपुड़ी। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु दूसरा है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है, वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ भार में परिवर्तन होगा, भार जो है शून्य हो जाएगा। तो उत्तर होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तना का एक उदाहरण है? शलगम, अदरक, शकरकंद, गाजर। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि कुछ पौधे जो हैं उनमें जड़, तना और पत्तियां जो है खाद्य संचय के कारण अपना रूप जो है बदल लेती हैं। जैसे जड़ जो है वह अपने रूप को बदल करके मूली, गाजर, शकरकंद, शलगम। तना जो है अपना रूप बदल करके आलू, अदरक, हल्दी इत्यादि में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा उत्तर होगा तना, तना है अदरक, उत्तर होगा अदरक। जबकि शलगम, शकरकंद और गाजर ये तीनों के तीनों जो हैं जड़ के उदाहरण हैं, ये मूसला जड़ के उदाहरण हैं, टैप रूट के। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन एक सहसंयोजी कंपाउंड है, यौगिक है? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, या क्लोरोफॉर्म इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेथिल ट्राइक्लोराइड। तो हमारा उत्तर होगा CHCl3। यह जो है एक सहसंयोजी यौगिक है क्लोरोफॉर्म। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो बंधन पाया जाता है, सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, यह इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। बाकी सभी जो हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, बाकी सभी के सभी जो हैं आयनिक यौगिक हैं और वे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी प्राप्त और ग्रहण के आधार पर बनते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में या CPU में? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य जो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 4-4, 5-5, 6-6 या 7-7? तो बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। हमारा उत्तर होगा
5, 5, 5। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और या इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रश्न संख्या 12 को अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डेप्थ वायर, 1 डेप्थ वायर, 2 डेप्थ वायर या 4 डेप्थ वायर। तो धूप का जो चश्मा होता है उसका क्षमता जो होता है 0 डेप्थ वायर का होता है, 0D का होता है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिस, W.L. जोहानसन, ग्रोगर जॉन मेंडल, T.H. मॉर्गन। तो 1909 में W.L. जोहानसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया था। हमारा उत्तर होगा W.L. जोहानसन, जोहानसन, जॉनसन भी कहीं कहीं है। ये कब दिए थे? 1909 में। जीन क्या है? DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 14 है, टांका यानी शोल्डर किसका मिश्र धातु है? रांगा और तांबा का, सीसा और टीन का, सीसा और तांबा का, इनमें से कोई नहीं। अब ये रांगा, रांगा टीन को ही कहा जाता है, रांगा और टीन एक ही चीज है, ठीक है। इसका संकेत SN होता है और इसकी परमाणु संख्या 50 होती है। इसकी वैलेंसी कभी कभी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो टांका यानी शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो शोल्डर जो है लेड और टीन का मिश्र धातु है, सीसा और, सीसा और टीन, टीन का मिश्र धातु है। ऐसे सीसा का PB होता है, PB प्लस SN। अब हमारा सवाल 15 नंबर है, प्रश्न संख्या 15। यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ऑप्शन हो है इसका, ऑप्शन है इसका 100। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, 100 बी नंबर में ऑप्शन है, 250 सी नंबर का ऑप्शन है हमारा, 400 और डी नंबर का ऑप्शन है 1000। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले सॉल्यूशन को निकालते हैं। x का 40% का 40% मतलब x इंटू 40%, तो 40/100 इंटू का 40% बाय 100 इक्वल कितना? 40। तो इसको काटते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 x हो जाएगा 4x बटे 25 बराबर 40। 40 तो 25 चौके 100, 4x बराबर हो जाएगा 40 × 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 40 × 25/4। 4 × 40, 25 × 250। हमारा उत्तर कितना होगा? 250। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों के बारे में 15 नए प्रश्नों को रखा और बारी बारी से उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।